jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। ग्वालियर श्योपुर नैरोगेज रेल लाइन पर रविवार को सड़क की तरह जाम लग गया। सबलगढ़ से ग्वालियर आ रही ट्रेन को रामदास घाटी के पास ट्रैक पर खड़ी एसयूवी कार की वजह से रोकना पड़ा। ड्राइवर उसे ट्रैक से सटाकर खड़ा कर कहीं चला गया। ट्रेन में सवार आरपीएफ कांस्टेबल ने घटना की सूचना ग्वालियर स्टेशन और आरपीएफ के अधिकारियों को दी। ट्रैक से कार को हटाने के लिए जेसीबी बुलाई गई, लेकिन कार पर एडवोकेट एमपी हाईकोर्ट लिखा देकर मशीन का ड्राइवर बगैर कार हटाए लौट गया। आखिरकार कांस्टेबल ने भीड़ में शामिल लड़कों को तैयार किया और हाथों से एसयूवी हटाने की पहल की। 6 मिनट में लोगों ने कार को ट्रैक से हटाकर ट्रेन का रास्ता साफ किया। आरपीएफ ने कार जब्त कर ड्राइवर पर केस दर्ज किया है। कार वंदना राहुल निवासी अड्डो बैंक कॉलोनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। कांस्टेबल के मुताबिक रविवार को वो सुमावली से नैरोगेज ट्रेन को लेकर ग्वालियर आ रहा था। दोपहर 3:45 बजे रामदास घाटी के पास ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी। ट्रैक पर एसयूवी कार MP07CB6064 खड़ी थी। मैंने उत्तर कर ड्राइवर को ढूंढा, पास रहने वालों से पूछा, लेकिन ड्राइवर का पता नहीं चला। जाम लगने से भीड़ जुट गई। तभी एक जेसीबी मशीन वहां से निकली, उसके ड्राइवर से कार हटाने के लिए मदद मांगी। वह तैयार हो गया, लेकिन फिर उसने मना कर दिया। कहा कि कार पर एमपी हाईकोर्ट एडवोकेट लिखा है, मुझे लफड़े में नहीं पड़ना। अंत में ट्रैक पर मौजूद लोगों से कहा कि कार हमें हाथों से हटाना होगी। कुछ लड़के तैयार भी हो गए। 6 मिनट में सबने मिलकर कार को उठाकर ट्रैक से दूर खिसका दिया। फिर 38 मिनट बाद 4:23 बजे ट्रेन रवाना हुई।